प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। झांसी में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान माफिया अतीब अहमद के तीसरे बेटे असद और शूटर गुलाम को ढेर कर दिया। पुलिस को उनके कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने फरार चल रहे असद पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी एसटी एडीजी अमिताभ यश ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इन अभियुक्तों की घेराबंदी की गई थी, तभी अतीक अहमद के पुत्र असद और मकसूदन गुलाम ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग में झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को ढेर कर दिया। उन्होंने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद और गुलाम समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आज यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पूर्व भी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। आज घेराबंदी कर इन्हें ढेर कर दिया गया।